स्वागत है आप सभी का आज के इस क्विज कॉमेडी समय क्लास 10 के बच्चों के साथ। यहाँ पे साइंस का आज क्विज स्टार्ट होता हुआ लेसन 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपटीशन को। सुमित जी बताएंगे वह कौन सी ऊर्जा है जो आंखों में देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है? प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है? बराबर। अगर समतल दर्पण में वस्तु को 2 मीटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा? 2 मीटर। 2 मीटर। उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? समतल दर्पण का पार्श्विक परिवर्तन। ओके, पार्श्व परिवर्तन। सुमित जी बताएंगे उस दर्पण को क्या कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2। उस गोलीय दर्पण को क्या कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद कहां से जाती है? फोकस से। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? सानू बताएंगे। आर बराबर 2f। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10। गोलीय दर्पण के फोकस से अवतल दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसकी दिशा क्या होती है? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन के बाद दिशा क्या होती है? समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण में अगर वस्तु की दूरी दर्पण से बढ़ाई जाएगी तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण से बढ़ेगी। आगे बताएंगे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी क्या लेते हैं? चिन्ह क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु किसे मानते हैं? गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु किसे मानते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक सतह के ध्रुव को। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जवाब मिलता हुआ लगातार काटे की टक्कर और सवाल के जवाब हम लेंगे इन विद्यार्थियों से, लेकिन इस वीडियो को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।